हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। चैप्टर नंबर 2, e4, हाउ टू प्ले e4, विनिंग क्विकली विथ e4। मतलब आप e4 से गेम खेलना चाहते हैं, आपकी फेवरेट लाइन है, लेकिन सारे मूव आपको ब्लैक के मूव बाय मूव पता होने चाहिए। इससे पहले मैंने रुई लोपेज के बारे में बताया था। अभी ये जो सीरीज चल रही है पार्ट 5, कैरोकान डिफेंस के बारे में, बहुत सारे प्लेयर कैरोकान खेलते, तो उसके सामने आपको कैसे रिप्लाई देना है, इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए है। आज है उसका पार्ट 5। तो यहाँ पे e4, c6, देन d4 और मेन लाइन है d5, लेकिन कई लोग g6 करके खेलते हैं। तो यहाँ आपको कैसे रिप्लाई देना है, ये मैं साइड लाइन इसलिए बता रहा हूँ कि रेयर केस में कोई प्लेयर आपके सामने आ गया ऐसा कुछ खेलने के लिए तैयारी करके आया है, तो आपको कैसे रिप्लाई देना है। यहाँ पे आपको रिप्लाई देना है Nc3। Nc3 के बाद d6। अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको याद होगा किंग्स इंडियन या पर्क। ओके, यहाँ पे d6 के बाद हमें खेलना है f4। अब यहाँ 3-pawn अटैक होगा, बिशप g7, नाइट f3, बिशप g4, बिशप e3। ये पॉन को रिस्क नहीं लेना, इसलिए बिशप e3, क्योंकि ब्लैक की जो थ्रेट है बिशप टेक्स नाइट आफ्टर क्वीन टेक बिशप देन बिशप टेक्स d4, आपका पॉन लॉस होता है। तो यहाँ पे आपको खेलना है बिशप e3। ब्लैक रिप्लाई देगा d5 सेंटर ब्रेक के लिए, और यहाँ आपको एडवांस कर देना है, ना इसे कैप्चर करना है। अब ये पोजिशन कम्प्लीटली व्हाइट की फेवर में है, स्लाइट एडवांटेज है आपको। चलिए यहाँ पे मेन लाइन अब मैं दिखाऊंगा, कैरोकान डिफेंस की मेन लाइन पे आते हैं। ये सब हो गई साइड लाइन्स, बाकी साइड लाइन्स आपको मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं e4, c6, d4, d5। मेन लाइन में हमको यहां देखना है विनेवर वेरिएशन, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था नाइट सी3 वाला वेरिएशन। d4 नाइट d7 भी हो सकता है d5 के बदले। चलिए अब देखते हैं e4 d6 d4 एंड f6 एंड c3। ओके, कैरोकान के बारे में सारे वीडियो आ चुके हैं, अब देखेंगे e4 d6, इसे कहते हैं पर्क, d4 nf6, और यहां पे आपको पॉन को सपोर्ट करना है नाइट c3 से। ये 3 मूव्स हो गए। अब ब्लैक की 2 चॉइस है यहां पे, जिसमें पहली चॉइस है बिशप g4, दूसरी चॉइस है बिशप को बाहर निकाले बिना e6। ये 2 मेन चॉइस है, दोनों के बारे में बताऊंगा। ब्लैक खेलता है बिशप g4 फर्स्ट, यहां आपको खेलना है f3। अब लाइट स्क्वायर बिशप जो है उसके पास बेस्ट चॉइस नहीं है, तो बिशप h5, यहां आपको खेलना है बिशप e3। ब्लैक रिप्लाई देगा e6, क्वीन d2, ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट c6, और फिर यहां पे आपको d5 करना है, e takes d5 एंड नाइट e5 सेंट्रलाइज करेगा, ज्यादातर प्लेयर यही मूव करते हैं। अब यहां आपको लॉन्ग कैसल कर देना है। अब ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ये पोन की वजह से कोई भी नाइट अटैक नहीं कर पा रहा है किसी भी जगह पे, और इस जगह पे बिशप की वजह से नाइट एक्टिव नहीं है। लॉन्ग कैसल के बाद ब्रेक करने का प्लान है ब्लैक का, तो c6 करेगा, ऑब्वियस मूव है ये। यहां आपको करना है g4। अब ओनली चॉइस है बिशप g6, और उसके बाद आपको यहां पे d takes c6 कर देना। अगर नाइट टेक सी6 हुआ तो आपको बिशप g4 करके खेल सकते हो,
पॉन टेक्स किया तो यहाँ पे d6 पॉन वीक है, उसके ऊपर आप प्रेशर डाल सकते हो, पॉन पुश कर सकते हो, बिशप g5 खेल सकते हो, एज योर चॉइस। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है इसमें, नाइट h3 करके नाइट f4 ला सकते हो, मैनोरिंग नाइट का होता है। ओके, दूसरी चॉइस देख लेते हैं। यहाँ पे बिशप के बदले ब्लैक e6 करता है, बिशप को आउट नहीं करता है, तब भी आपको खेलना है यहाँ पे f4। अब ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप e7, उसके बाद नाइट f3, ब्लैक रिप्लाई देगा शॉर्ट कैसल। यहाँ पे आपको सिंपल बिशप d3 डेवलप करना है, ब्लैक रिप्लाई देगा c5, पॉन ब्रेक d takes c5, कोई दिक्कत नहीं है, d takes c5, और यहाँ आपको कर देना है शॉर्ट कैसल। उसके बाद ब्लैक ट्राई करता है qb6 डिस्कवर की थ्रेट, यहाँ पे आपको खेलना है नाइट a4, ये एक सरप्राइजिंग मूव है। क्वीन c6 ये बेटर चॉइस है ब्लैक के लिए, और यहाँ पे मैं आपको सजेशन करूँगा c4, ताकि वो c5 वाला पॉन ब्लॉक भी हो जाए और कोई दिक्कत नहीं हो और क्वीन से नाइट को प्रोटेक्शन मिल जाए। c4 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा रुक d8, बिशप को पिन करने का प्लान है, नाइट इंटू e4 की थ्रेट है, लेकिन यहाँ आपके पास एक चॉइस है e5 की, तो ये पोजीशन भी आपकी फेवर में है। दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको ओपनिंग जानने को मिलेगी। ओके दोस्तों, तो जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में नई ओपनिंग के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।